यहाँ पे आ गया है डेली के जैसे। गूस ने मेरा वेट किया, अभी जाने वाला था तो मैं आ गई हूँ उसको खाना खिलाने। हाय, कुछ बोल रहा है। यस 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 यस, हंग्री, आई एम स्केयर। ओके ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे। हम लोग भी यहां पे ठीक है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी क्योंकि आई थिंक होली के चक्कर में मैंने बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ही वर्क प्रेशर ले लिया अपने पे, जो कि मेरी सेहत के लिए इस टाइम पे तो एकदम अच्छा नहीं है। तो आज मुझे थोड़ा सा हेडेक और ये सब यहाँ पे बैक पेन हो रहा था, जो कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप सभी को पता ही है जो मुझे सिर्फ से फॉलो करते हैं। तो उसके लिए आज मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है। सुबह से भी मेरा, मैं बहुत बिजी थी क्योंकि अनिल जो है घर पे चला गया है अपने वापस, तो उसके लिए लंच पैक करना और सुबह ब्रेकफास्ट बनाना। मनोज ड्यूटी चले गए थे, आज उनको ऑफ नहीं था, कल ही ऑफ था क्योंकि आज किसी और का ऑफ होता है तो वो लोग छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, तो मैंने सोचा मैं बेयर कर सकती हूँ, आप जाओ। रेस्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि बेबी जो है, बेबी के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं रेस्ट कर सकती, वो सोएगा तो ही मुझे सोने का टाइम मिलेगा, वरना तो बच्चे ही हैं। और अमेरिका में क्या है, हमारे पास कोई हेल्प नहीं है, यहाँ पे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। हालांकि मेरी तबीयत इतनी खराब थी उसके बावजूद भी मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ा। तो अभी बजे शाम के 5:30। सुबह से मैंने आज कैमरा नहीं उठाया है वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अभी, मैं सो के उठी हूँ आरव के साथ में, मैं 2-3 घंटे अच्छे से सो गई हूँ। मैंने मेडिसिन भी ले लिया था अपने डॉक्टर को कॉल करके, हेडेक अभी बेटर है, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट तो बनती है कि क्यों मैंने अभी, मतलब क्या चल रहा है। तो मेरा मन किया, अभी ना आदत सी हो गई, 4-5 दिन से रोज वीडियो बना रही हूँ तो मन होता है कि मैं बनाऊं, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को जरूर शेयर करती हूँ इतना भी। हाँ बेबी, तो बेबी अभी जो है दूध पी रहा है। हाँ जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो उठने के लिए तैयार, मुझे उठा के खुद सो रहा था, मम्मी लाइट बंद कर दो। और रात को ही हमने लॉन्ड्री वॉश कर ली है इतनी सारी, और ये सब मुझे फोल्ड करना है, ये मेरा काम है। और हाँ जी, ओ बेबी पुपू करेगा, गो बाथरूम। ओके लेट्स गो, कम ऑन। तो आराम मेरा हो गया है पोटी ट्रेन। और अगर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बेबी सिमिलर एज के हैं, तो मैंने इसको कैसे पोटी ट्रेन किया है वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ आने वाले किसी भी वीडियो में। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वो जानना है कि नहीं, बहुत ही इजी एंड ट्रिकी है। हाँ जी, नो हैंड, नो हैंड। तो बेबी मेरा पोटी ट्रेन है, वो खुद से पोटी करता है यहाँ पे, और फिनिश होने के बाद में मुझे बुलाता है, कैसे मम्मा प्लीज वॉश, यू वांट मी टू वॉश। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा बेबी हो गया है पोटी ट्रेन, कैसे वो मुझे बुलाता है मम्मा मुझे पोटी आया है। अब उसने मुझे बुला ही लिया था और मैं रिकॉर्डिंग कर ही रही थी सेम टाइम पे, तो मैंने सोचा तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से शेयर कर ही लेती हूँ कैसे मैंने उसको पोटी ट्रेन किया। ये 2-2.5 ईयर ओल्ड है, तो अभी वो सब कुछ बताता है, उसे कब पोटी शुरू आया है। सिर्फ सोने के टाइम पे मैं डायपर डालती हूँ, लेकिन आजकल उसे वो भी नहीं पहनना होता, तो हम क्या करते हैं उसको सोने के बाद डालते हैं जबरदस्ती, क्योंकि 2-3 बार तो वो उठ जाता है, कभी कभी वो नहीं उठ पाता, इतनी गहरी नींद में होता है, इसीलिए हमें उसे पहनाना ही पड़ता है। बट मैं स्टिल वर्किंग ऑन इट एज वेल। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में ये कि मैंने उसे कैसे पोटी ट्रेन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे आज बहुत हेडेक हो रहा था, लेकिन काम मेरे सारे ऐसे ही पड़े हैं। सुबह मैं, अनिल जा रहा था तो उसके लिए लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, सब कुछ किया। तो इतनी सारी डिशेज जो है मेरी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजर, ये देखिए पूरा ये भरा हुआ है सिंक और यहाँ से लेके वहां तक। और किचन भी मेरी आज गंदी है, मुझे क्लीन करनी है, स्टिल मुझे उसके बाद में डिनर भी प्रिपेयर करना है, तो बहुत सारे काम अभी मेरे बाकी हैं। तो आराम अभी उठ गया है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना घर का काम करना। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ ये क्लीनिंग एंड ऑल, एंड देन उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अब डिनर क्या बनाती हूँ आज। तबीयत अभी भी फिर से मुझे थोड़ा सा, उठने के बाद में मैंने थोड़ा सा अभी कॉफी पिया है और मुझे डिजी सा लग रहा है, बट यही अमेरिका की लाइफ है हमारी, सब लोगों को लगता है हम मजे में रहते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं। चलिए करते हैं शुरू अपने काम खुद से ही। फिर 5-10 मिनट के काम में इतना टाइम लगता है, क्योंकि आराम जब भी मैं काम करने लगती हूँ, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं काम करूँ कि क्या है, बार बार एक एक मिनट में आके बोलते हैं ये दे दो मम्मा, वो दे दो, मेरे साथ आके सोफे पे बैठ जाओ। पता नहीं बच्चे, आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं कि नहीं, लेकिन वो बहुत करता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मम्मी उसकी काम करे, लेकिन क्या करे, उसकी मम्मी तो काम करना ही पड़ेगा। अभी मेरा ये 5-10 मिनट का काम मुझे आधा घंटा हो चुका है, कभी कुछ मांगने लग जाता है, कभी कुछ खाना कुछ नहीं है उसे, तो
इसी तरह से चलता रहता है यहाँ पे। अब ऐसे टाइम पे लगता है कि हमारे पास में कितना हेल्प होना चाहिए ना, हेल्प के वी आर सीकिंग फॉर हेल्प। व्हाट आर यू डूइंग आरा? आई एम कुकिंग रोटी। यू आर कुकिंग रोटी? यू नो हाउ टू कुक रोटी? ओके, कैन यू हेल्प मी? यू नो हाउ टू कुक रोटी? थैंक यू माई बेबी, वन किस प्लीज, आई लव यू। बेबी इट खट्टा टू। उसने रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ला को खट्टा बोलता है, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं पता। वो बता रहा है आप लोगों को कि उसने खट्टा खाया। और क्या खाया बेबी ने? बेबी खट्टा इट इट। मेक मामा मेक इट। कैन मामा डू इट? मूव हैंड। Where's my aunta? Mom making aunta. Where's my aunta? He's here. क्या कर रहा है अभी आ रहा हूँ? I'm cooking. What are you cutting? I'm working. You working? What are you cutting? But? I'm cooking. Bhindi? Yeah. What is this? It's spicy. No spicy. This is bhindi. आरव तो आज पूरी मम्मी की हेल्प कर रहा है। तो भिंडी मैंने काट ली है। भिंडी बनाने का ना एक नया तरीका मैंने सीखा है, वो काफी इजी है, तो मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर करती हूँ। भिंडी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर 4 से 5 मिनट या जितने भी आपकी भिंडी है उसी हिसाब से पहले माइक्रो ओवन में यहाँ पे मैं रख देती हूँ। ऐसे बोल में या किसी प्लेट में डाल के आप माइक्रो उसको, मैं इसको 2.5 मिनट कर रही हूँ। वो करने के बाद क्या होता है कि उसकी जो स्टिकीनेस रहती है ना वो चली जाती है और भिंडी जल्दी बन जाती है। यहाँ पे सभी के पास माइक्रोवेव अवेलेबल है, तो जल्दबाजी जब भी आपको हो तो इसी तरह से भिंडी जस्ट काटो, थोड़ी देर माइक्रो में उसको डालो, तड़का जो है वो अच्छे से पक जाएगा और उसमें डंप कर दो और थोड़ी सी देर के लिए उसे ढक दो। बस विद इन 5 मिनट भिंडी इज रेडी। तो भिंडी मैंने माइक्रो से निकाल के इसमें डाल दी थी। अब थोड़ी देर भुनने के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। तो पहले हल्दी, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला। चाट मसाला खट्टा खट्टा टेस्ट भिंडी में बहुत ही अच्छा आता है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। सॉल्ट अभी नहीं डालेंगे, सॉल्ट हम डालेंगे एंड में। देखिए मसालेदार एकदम कोटिंग अच्छी सी आ गई है इस पर। अब थोड़ी सी देर जो है मैं इसको कवर कर दूंगी और फायर को कर देंगे सिम पे और इसे पकने देंगे। भिंडी अभी पक के रेडी हो गई है, थोड़ा भी इसमें कहीं पे भी पानी नहीं है, जो स्टिकीनेस नहीं है इसकी, सारी स्टिकीनेस पहले ही चली गई थी। और अभी जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। भिंडी में हमेशा बन जाने के बाद ही सॉल्ट डालें तो अच्छा रहता है। कहीं पे भी इसमें देखो थोड़ा भी स्टिकीनेस नहीं है, चिपचिपा नहीं है, ये एकदम खिला खिला है। तो आप भी इस ट्रिक को यूज करना अगर आप जल्दबाजी में हैं तो। टेल फ्रेंड्स यू आर ईटिंग रोटी, कम ऑन आरा। नो, ओके देन कम ऑन। ओके फर्स्ट फिनिश योर रोटी, कम ऑन फर्स्ट। हाय फ्रेंड्स, व्हाट इज द बेबी ईटिंग? बेबी आई कर दिया, बेबी आई कर दिया मम्मा को। बेबी ने बाइट कर लिया मम्मी को। तो मेरा बेबी खा रहा है अभी रोटी, उसको मैं डिनर करा देती हूँ अभी। उसके बाद में खाना मेरा बन के हो गया रेडी, भिंडी भी बन गई है और रोटी भी बन गई है, सब कुछ रेडी हो गया है। बस मेरे को थोड़ा सा गैस क्लीन करना है। यूटेंसिल्स मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे, डिशवाशिंग हो गया है, सारा काम हो गया है। और मैं अभी भी टायर्ड ज्यादा ही फील कर रही हूँ, तो थोड़ी देर मैं लेती हूँ रेस्ट और फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। आज मैं बहुत ही इमोशनल हो रही हूँ, तबीयत की वजह से भी ये कभी कभी लगने लगता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग यहाँ पे रह के। बहुत हार्ड टाइम होता है कभी कभी हमारे लिए, बट हमें खुद ही उसको मैनेज करना पड़ता है। हमारे पास कोई हेल्प नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, और ऐसे टाइम पे पेरेंट्स की बहुत याद आती है। पता नहीं मैं आज कितनी इमोशनल क्यों हो गई, मुझे नहीं पता। ये मेरा प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंज है, यस मेरी तबीयत तो खराब है ही आज, बट तबीयत तो एक साइड में होती रहती है, टाइम ही ऐसा है प्रेगनेंसी का। बट और माइग्रेन ऊपर से मुझे है, तो मेरे को आज ये सब एकदम नेक पेन और ये सब
बहुत पेन कर रहा है, तो मुझे मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में मेरा अपना एक्सपीरियंस। मुझे लगता है अमेरिका में लाइफ इतनी बेटर, मुझे अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब अपने घर वालों की बहुत याद आती है। लगता है कि अगर हम अपने इन-लॉज के साथ या मैं अपने पेरेंट्स के साथ या उनके आस पास भी कहीं होते तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग हमें कितना केयर करते, डेली ना सही तो एटलीस्ट ऐसे टाइम पे तो वो लोग कर ही सकते थे। यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है, सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत हेल्प भी करना चाहे तो अदर चीजों में कर सकता है, लेकिन फुल्ली हेल्प तो यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी, हेक्टिक, टायर्ड है बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को, और लोगों को लगता होगा वाओ अमेरिका में है, बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपने घर के क्लोज, अपने फैमिली के क्लोज रहना उसका मजा कुछ और ही होता है। तो आज मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ, लग रहा है मुझे कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे होते या मनोज के पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज यहाँ पे होते तो कितना अच्छा रहता ऐसे सिचुएशन में। फिर भी खाना बनाना, ये करना, सब कुछ काम करना ही पड़ता है। तबीयत खराब है, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती तो मैं नहीं करती। थोड़ा सा मेरे को मेडिसिन लेने के बाद में बेटर लगने लगा था, तो मैंने बना लिया खाना और क्लीनिंग भी कर ली। और ये सब करने के बाद में अभी मुझे फिर से टायर्डनेस लग रही है कि मैंने इतना काम क्यों कर लिया, अगर मेरी तबीयत खराब थी तो मैं रहने देती। बट बहुत सारी चीजें होती है जो हम रहने देने से भी नहीं कुछ कर सकते हैं। स्टिल फेस पे स्माइल होनी चाहिए, वरना सब लोग पूछेंगे आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग सब, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपनी चीजें। तो मेरिया की लाइफ इतनी भी इजी नहीं है, इतनी भी आसान नहीं है, बट जो भी है झेल लेते हैं। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है अपने पेरेंट्स से कि हाँ वो लोग कितना काम करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैं भी कर लेती हूँ ये सब सोच के। और अब तो आदत सी पड़ गई है सबसे दूर रह के अकेले काम करने की, अकेली जिंदगी जीने की। लेकिन फिर भी बहुत मिस करती हूँ मैं आप सब लोगों को, मम्मी पापा सबको मैं बहुत मिस करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ इतना ज़्यादा आप मत इमोशनल हो जाना है सोच के। आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, बट जो था मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में, अभी मुझे भी थोड़ा सा हल्का लग रहा है शेयर करने के बाद में। चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड यहीं पे। ये था हमारा शाम का रूटीन। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियोस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं अपना हार्ड वर्क दे रही हूँ, इनपुट कर रही हूँ। और या फिर आप लोगों की कुछ भी सजेशन है किस तरह की वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। मैं जो है अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर रही हूँ थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी एंड अमेरिका की लाइफ स्टाइल और सब कुछ। मैं ऐसे ही अपनी मेमोरीज इकट्ठा करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला था, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। इसीलिए अगर आप लोग मुझसे, आई नो आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने ये फील किया है जब मैं वीडियो नहीं डाल रही थी तब। इसलिए मैंने बैक ऑन नॉर्मल रूटीन पे आ गई हूँ, मैं वीडियो अभी डेली डाल रही हूँ। तो जहाँ तक मेरा कोशिश रहेगी मैं डेली ही व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ और कर भी रही हूँ, अभी तक 1 वीक होने वाला है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।